मैंने मैं सब टॉप म्यूजिक डायरेक्टर में खाली तीन म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मैंने काम नहीं किया, एक तो सोलर भगतराम, देन खेमचंद प्रकाश एंड दूसरा श्याम सुंदर, बाकी सबके साथ काम किया है। तो क्या अलग, सबका अलग अलग स्टाइल था, बहुत सीखने को मिलता है ना, सबका अलग अलग सलीला। शंकर जयकिशन के साथ आपका एक अच्छा साथ रहा है। शंकर जी ने बहुत काम किया, अपन रिदम में अकॉर्डियन मैंने 7-8 गाने में बजाएगा बस। उनका मेन जो इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे उनमें अकॉर्डियन बहुत काम किया, वो मोस्टली गुडी ना, मोस्टली गुडी बजाते थे। मित्रा आया था, आपने किन किन में अगर कुछ ध्यान रहा हो? खाली एक गाना याद है मेरे को, बिकॉज मेरा एक दोस्त है वेस्टर्न क्लासिकल कंपोजर इंग्लैंड में, तो उसको अच्छा लगा तो मेरे को पूछा ये कौन बजाया है, इसमें गुडी बजाया? मैं बोला मेरे को याद नहीं है, तो उसने ऑडियो ट्रैक भेजा इंटरनेट से, तो वो मैंने बोला ये तो मैंने ही बजाया। वो तो चोरी चोरी का गाना है, आजा सनम, खूबसूरत मैंने बजाया। मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो बिदाने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान।
हुई खाली बिकॉज ऑफ नरेश के लिए मुझे पता चला कि ये गाना मैंने बजाया। इंस्ट्रूमेंट्स सारे के सारे आपके करीब रहे हैं, और इस तरीके का कोई अगर संगीतकार मुझे याद आ रहा है तो शंकर जी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा पाते थे। या शंकर जी सबसे मॉडर्न, उस टाइम में सबसे मॉडर्न थे ना लोग। पहले के रूम में पियानो था, शंकर जय किशन का रिहर्सल रूम था महालक्ष्मी फेमस में, तीन माला, तो पियानो था वहाँ। शंकर जी की बात हुई, शंकर और जय किशन जी की स्टाइल थोड़ी सी आप बताएं कि उनका काम करने का तरीका कैसे हुआ था और बाय पर्सनालिटी वो किस तरीके से होते थे आपके साथ कैसे? शंकर एंड जय किशन, शंकर जी का गाना अगर शंकर जी रहेंगे खाली वो सब बोलेंगे, सब समझाएंगे, सब भाषण लिखेंगे। रिहर्सल रूम में जाते थे तो शंकर जी का गाने में शंकर जी रहते ना, और शंकर जी का रिकॉर्डिंग के टाइम दोनों आएंगे ना, जय 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 अंदर बजता था जय किशन, और रिवर्स जय के गाने में सिटिंग में शंकर जी नहीं आएंगे और जय किशन, बट शंकर जी का थोड़ा बोलना जा रहा था और जय किशन कभी किसकी बुराई नहीं करते थे, वो इतना फ़र्क था दो में। शंकर जी जरा स्टाइल बहुत थी ना बोलने की ना, तो मज़ा आता था ना। एक दिन एक किस्सा बताऊँ आपको, बहुत कॉमिक किस्सा है ना। अभी डैडी हम लोग कभी लेट नहीं गए ना, तो एक दिन टेक में थोड़ा लेट हो गया, तो लाइक शंकर जी ना नॉर्मल, अरे यार नॉर्मली कावास बोलते थे ना, अरे लॉर्ड साहब आज लेट क्यों हो गया, क्या हो गया? और मेरा डैडी मेरे से भी फनी जा रहा, तो डैडी बोल रहे शंकर जी को, शंकर जी क्या बताऊँ, वॉली नागे पे पूरा ट्रैफिक जैम, क्या हो गया? अरे शंकर जी आपकी पिक्चर रिलीज हुई वहाँ एकदम, सब एडवांस टिकट लेने के लिए पूरा ट्रैफिक जाम। तो शंकर जी इमीजिएटली पलटी ले रहे हैं और म्यूजिशियन को बोले, अरे सुनो सुनो लॉर्ड साहब क्या बोल रहे हैं, लॉर्ड साहब क्या बोल रहे हैं सुनो। एंड बैकग्राउंड जय किशन करता था ऑलवेज, तो बैकग्राउंड में इतने अच्छे कभी कभी पीस निकलते थे ना, तो एक बैकग्राउंड के बाद तीन चार गाने बन गए उसमें से, तीन चार पीस वो गाने बनेंगे दूसरी पिक्चर में, एवरी बैकग्राउंड में से तीन चार गाने बनते थे कौन सी अलग अलग पिक्चर में जाते। किर्सी साहब जब बात हुई है शंकर जयकिशन की, तो एक और उसी तरीके के बड़े सख्त तरीके के संगीतकार हुआ करते थे ओपी नैयर। ओह माय गॉड जीनियस।